हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। हम पढ़ रहे थे माय टास्क हिंदी 2 में व्यंजन। ओके, व्यंजनों का हम अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमने का अक्षर का अभ्यास कर चुके हैं। आज की क्लास में हम खा का अभ्यास करेंगे। खा अक्षर का अभ्यास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, डेट लिखेंगे। आज की डेट क्या है आप लोगों की? 27 ओके 6 2023 ओके। देन यहाँ पर आपको लिखना है, CW डालना है। यह आपका क्लास का वर्क चल रहा है। ओके, तो खा, खा से क्या होता है? खरगोश। खा से क्या होता है बेटा? खरगोश। खा खरगोश का, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, खा खरगोश का। चलिए अब इसे हम लिखने का अभ्यास शुरू करते हैं। तो खा बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ लाइन खींची हुई बताया गया है कि हमें किस तरह से खा को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, खा बनाने के लिए हमको यहाँ ऊपर से इस तरह से हम जे की तरह बनाएंगे। सेकेंड अक्षर, सेकेंड वाली रो में देखिए, यहाँ पर ये जे जैसा बना और जे को हम यहाँ से नीचे ले गए हैं। थर्ड वाले में हमारा क्या बना हुआ है? ये हमारा जे बनाते हुए इसे नीचे की ओर लाइन को खींचते हुए और सीधी रन्ने खींच दिए, तो ये क्या बन गया? अपना या जैसा बन गया, ठीक है। लेकिन हमें खा बनाना है, तो खा बनाने के लिए हमें बीच में हाफ सर्कल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्थ वाले पॉइंट में क्या हुआ? यहाँ पर बीच में हाफ सर्कल बना दिया। और फिफ्थ वाले में अपना क्या हुआ? कंप्लीट कैसा बना है? यहाँ से हम ऐसे ले गए हैं, जे की तरह बनाए हुए हैं, फिर उसको यहाँ नीचे से ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर घुमा दिया गया है, फिर यहाँ से सीधी डंडी खींची गई है और बीच में हमने हाफ सर्कल बनाया है और ऊपर से हमारी सीधी लाइन खींची गई है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा खा बन के तैयार हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर लिखे हुआ है, अब आपको यहाँ पर नीचे जो डॉट डॉट बने हुए हैं उसमें आपको लिखने का अभ्यास करना है। और अभ्यास के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लिखावट है वो लाइन के बाहर ना जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं। तो जैसे हमने ऊपर अभ्यास किया उसी तरह से हम बनाएंगे। पहले ऐसे जे की तरह बनाएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे लेते हुए जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर से डंडी खींच देंगे सीधी और बीच में हमने हाफ सर्कल बनाया, उसके बाद हमारा सीधी लाइन खींच दिया गया। तो क्या बन गया ये बेटा? खा खरगोश का, ठीक है। इसी तरह से सभी में प्रयास करेंगे, खा खरगोश का रिपीट करते जाएं, बोलते जाएंगे, तो बोलने से आपको लर्न भी होगा और आपको पढ़ते भी बनेगा, ठीक है। खा खरगोश का क्या बना है? खा खरगोश का क्या बना बेटा? खा खरगोश का, बोलिए आप लोग भी। वेरी गुड, आप लोग को बोल बोल के ही लिखना है, ठीक है। सेकेंड रो में भी वैसे ही अभ्यास दिया गया है, इसे भी उसी तरह से करना है आपको। खा खरगोश का, खा खरगोश का, खा खरगोश का, खा खरगोश का, खा खरगोश का। ओके, अब आपके लिए मेन अभ्यास जो आपको अपनी राइटिंग से यहाँ पर करना है। आप कैसे बनाओगे? यहाँ तो ना ही डॉट डॉट बना हुआ है ना, तो डॉट डॉट नहीं बना है, तो आपने अभी दो लाइन में यहाँ अभ्यास किया ना, उसी को आपको उसी तरीके से यहाँ पर खाली जगह में लिखना है। चलिए अभ्यास करते हैं। यहाँ पर पहले इस तरह से जे बनाओगे, बनाया, फिर यह इसको हम कहाँ ले गए? ये ले गए और ऊपर से हमने यहाँ से इसे डंडी खींच दिया और यहाँ से हमने हाफ सर्कल बनाया और ऊपर से हमने डंडी खींच दिया। देखिए बन गया ना खा। चलिए स्टार्ट करना स्टार्ट करो, इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर बीच में हाफ सर्कल और सीधी लाइन खा। इसी तरह से यहाँ पर भी अभ्यास किया जाए, ये खा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी समझाया कि लाइन आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए,
है ना, इसी तरह से ही आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए ये ब्लू लाइन दिख रही है आप लोगों को, टू ब्लू लाइन, तो वही ब्लू लाइन के अंदर आपको लिखना है, रेड लाइन को आपको टच नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर भी वैसे ही खा खरगोश का एक लाइन और अभ्यास के लिए है, इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। खा खरगोश का, खा खरगोश का, खा खरगोश का, खा खरगोश का, खा खरगोश का। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से आपको अभ्यास करना है। ओके तो ये अपना क्या था, क्लास वर्क था। अब आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट पेज में होमवर्क दिया है, तो यहाँ पर आप होमवर्क मेंशन कीजिए। ओके ये आपका होमवर्क हो गया, और खा खरगोश को ऊपर से यहाँ तक पूरी जो ब्लैंक लाइन दिख रही है ना, वहां तक आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स।